क्या बात है, इतना अर्जेंट साहब ने मुझे बुलाया? बताता हूं, जरा इसे पढ़ो। शांति वन में भूत प्रेत का तांडव। कुछ ही दिनों से इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं। दो तीन दिन से मैं भी गौर कर रहा हूं। अंधविश्वास है, हमें इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। कैसे? तुम दोनों डॉक्टर साइको ट्रीटमेंट में माहिर हो। शांतिवन के लोगों को इस वक्त तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। जितनी जल्द हो सके तुम दोनों डॉक्टर शांतिवन में पहुंच जाओ और लोगों की सेवा करो। श्योर सर, थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। कन्या को मेरे पास लेकर आओ, जाओ। जी। माते इसकी रक्षा कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए माते। पुत्री शांत हो जाओ। देखो पुत्री, अपने मन को काबू में रखो, ध्यान से मेरी ओर देखो। शांत हो जाओ, मैंने कहा शांत हो जाओ, मैंने तुम्हें शांत होने के लिए कहा। मेरी पुत्री को
इस भोली सी बच्ची के ऊपर किस प्रेतात्मा का साया है? बताओ, तुम इस माँ के आश्रम में हो, चिंता मत करो पुत्री, इस प्रपंच और सृष्टि का वरदान हो गया। मेरी ओर ध्यान से देखकर सच सच बताओ, कौन हो तुम? सो जाओ, अपनी सारी परेशानियों को भुलाकर मेरी बच्ची शांत होकर सो जाओ। इंतजार कर रहा था, तेरे लिए ही मैंने जन्म लिया। तू मन मानी कर, मैं देख लूंगा। दो बार मैं माता के दर्शन के लिए आश्रम गया था। वाह, वो तो तेजस्विनी है, उनकी आंखों में अजीब सी चमक है। मधु, मैं पते की बात कर रहा हूँ, वहां जाओगे तो तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सिर्फ एक बार देवी माँ के दर्शन कर लो बस। मगर डैडी नहीं मानेंगे, ये माता ये आश्रम, इन बातों पर उनको बिल्कुल विश्वास नहीं है। लगातार होने वाले सर दर्द से मुझे छुटकारा मिल गया। अरे वही, अपने गाँव के मुखिया जी मुझे लेके गए थे। अगर उस माँ के दर्शन ना करूं तो मुझे चैन नहीं मिलता और नींद हराम हो जाती है मेरी। बहुत सुंदर है वो, सिर्फ एक बार तुम वहां हो आओ, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरी बात पर विश्वास करो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें लेके जाता हूँ। हेलो, शांतिवन गेस्ट हाउस कहाँ है बता सकते हैं? आप सीधे लेफ्ट में जाके राइट में मुड़ जाइए। थैंक्स। यार क्या पटाखा है, सुपर्ब यार। So happy. क्यों बेटे, तुम्हें पसंद आया कि नहीं? हाँ डैडी, बहुत पसंद है। अच्छा? आओ। छोटी मालकिन, मैं हूँ भवानी। यहाँ कोई भी रहने आए तो मैं ही उनकी मदद करती हूँ। वैसे खाना भी अच्छे पका लेती हूँ। घर कहाँ है? यही करीब में है। कौन कौन है तुम्हारे घर में? मेरे पति मनमोह जी और मैं भवानी। वैसे मनमोह जी करते क्या है? क्या कहूँ, वो तो कोई काम करते नहीं। हाँ, आपको खाने में क्या चाहिए मुझे बताइए, मैं झट से तैयार कर देती हूँ। ठीक है बेटा। महेश, क्या है मम्मी? आज से ये आंटी ही तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है। ठीक कहा, आज से मैं ही हूँ तुम्हारी फ्रेंड। आंटी क्रिकेट खेलना आता है तुम्हें? नहीं बेटा, आज से तुम्हें सिखा दो मुझे। सुनो भवानी, संभाल के, मैं कह देती हूँ ये बहुत ही खुराफती लड़का है, तुम्हें तो इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आज से तुम नहीं रोगी। तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है उसका एहसास है मुझे। अम्मी और अब्बा के गुजरने के बाद मैं बेसहारा हो गई हूँ माते, मैं अपने गम के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। अगर एतराज न हो तो तुम यहाँ रह सकती हो,
तुम्हारे जैसी कई अबलाएं यहाँ पर रहती हैं, जिनका इस संसार में कोई नहीं है। आज से तुम भी इस आश्रम का एक हिस्सा हो। बेटी लक्ष्मी, अमीना आज से हमारे साथ आश्रम में ही रहेगी। तुम जाकर सबसे अमीना का परिचय करा दो। अमीना, आज से तुम इस आश्रम को अपना ही घर समझो। मेरी बात मानकर चलोगी तो जिंदगी में तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। समझ गई ना? ठीक है मम्मी। मेरे लिए ही ईश्वर ने तुम्हें बनाया है, वरना जिंदगी भर में कुंवारा ही रह जाता। इस सवाल का जवाब भी मेरे पास है। कौन सा? आदम की रीढ़ की हड्डी से ही हव्वा का जन्म हुआ था। हर एक मर्द के लिए ईश्वर ने एक औरत की सृष्टि की है। अगर तुम्हें यकीन है तो ठीक है। आज भी वो दिन अच्छी तरह याद है मुझे, जब मेरी पहली बार तुमसे मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात बढ़ने लगी। खुश नसीब हूँ मैं जो मुझे तुम जैसा नेक दिलो चाहने वाला पति मिला। हमारी जिंदगी में बाहर ही बाहर है। तुम जैसी पत्नी और महेश जैसे बेटे को पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। महेश को किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम उसका ख्याल रखोगी। महेश पर खास ध्यान देना पड़ेगा, नई जगह है। ठीक है साहब, मैं देख लूंगी। हाँ भवानी, अगर मौका मिले तो महेश को यहाँ की सब जगह घुमा लाना। मैं घुमा दूंगी मालकिन। फिर से पार्वती पर प्रेत बात। पार्वती, चलो हम देखते हैं। यहाँ के अस्पताल के नए डॉक्टर्स हैं। क्या हुआ है हम देख के बताएंगे। नहीं, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। ये तो मानसिक रोग है, इसकी जांच करने के लिए हमें अस्पताल ले जाना होगा। नहीं, शहरी लोगों पर हमें विश्वास नहीं। देखिए, माते जो कहेंगे वही हम करेंगे। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। कुछ मत समझाओ, देवी माँ इसे मुक्ति दिला सकती है। चलो चलो। कितने हैं पैसे? इसमें पूरे हैं। इसे अंदर संभाल कर रख दो और अमीना को बुला लाओ। सिर्फ दो दिन के लिए उसे भेज रही हूँ। देखो, उस लड़की को वापस पहुँचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ठीक है, तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। आदमी को तुम ठीक से पहचानते हो ना? पहचानता हूँ। अमीना, आज से तुम्हारी जिंदगी की नई शुरुआत है, इसलिए जैसा ये कहते हैं वैसा ही तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है अमीना? मैं कुछ समझी नहीं माते। बस ये जैसा कहते हैं वैसा करती जाओ, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है माते।
मुखिया का फोन था, आज रात आ रहे हैं। कितने बजे? 8 बजे। आए हो? कौन? मैं मन का मौजी हूँ, तुम मुझे मन मौजी चाचा कहके बुला सकते हो। ओ, आप आ गए। तुम्हारे नए मालिक कैसे हैं? काफी अच्छे हैं। वो दोनों डॉक्टर हैं। इस गांव से भूत प्रेत को भगाने आए हैं वो। सुनो, 100 रुपए की सख्त जरूरत है मुझे। अरे वाह, खर्च के लिए मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तो तुझे कहाँ से दूं मैं? चुपचाप चले जाओ तुम यहाँ से। अरे कमाने की औकात नहीं है तो खर्च पे खर्च क्यों कर रहे हो तुम? खर्च की छोड़ो, इसे घुमा लाता हूँ, जैसे ही लौटूंगा 100 रुपए का इंतजाम करना। तुम बेटा इस चाचा के साथ जाके तुम गांव घूम के आओ। आई एम रेडी। वेरी गुड, जो ही लौटेंगे तो डैडी से कह के चाचा के लिए कुछ रुपए का बंदोबस्त करवा देना तुम। अरे रे, ये बात है तो फटाफट नहा धो के आ जाओ। तुम्हारे लिए तौलिया साबुन वगैरह मैं बाथरूम में रखे हैं। हाँ, फटाफट आता हूँ। अभी जो हमने गुफा देखी वहाँ भूत प्रेत रहते हैं क्या? कोई भूत प्रेत चाचा के पास नहीं आएगा। कैसे? डरते हैं मुझसे, इसलिए कि मैं भी भूत हूँ। अब हम कहाँ घूमने जा रहे हैं कुछ पता है? कहाँ? वही जंगल जहाँ श्री रामचंद्र जी रहा करते थे। मुझे वो सब नहीं देखना। फिर क्या देखने का इरादा है बोलो? मरघट। पनघट? पनघट नहीं, मरघट। अच्छा लगता है मुझे। तुम्हें नहीं पता कितनी शांति है वहाँ। शांति है। क्या बोला? कुछ नहीं। हाँ, हम वहाँ जाएंगे कैसे? हम किस लिए मरघट जाएंगे बोलो? जब मर जाएंगे तो लोग खुद ब खुद हमें वहाँ ले जाएंगे। मुझे जाना है। ठीक है। भी मिल सकते हैं। क्या म्यूजिक है? म्यूजिक सुनी नहीं? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। लेकिन मैं सुन रहा हूँ। मारे डर के मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आपकी पसंद क्या है? जलने में मजा है या दफन होने में? ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं जिंदा ही ऊपर जाना चाहता हूँ। यही इच्छा है तो ऊपर भेज देता हूँ। Thank you.
आप तो तकरीबन 50 लोगों से मिली होंगी, है ना? वो सब के सब देवी माँ के विश्वासी हैं। हम बदल देंगे उन्हें। महेश कहाँ है? मेरे पति आए थे, वही महेश को अपने साथ गांव घुमाने ले गए हैं। रात होने को आई है, नजर नहीं आ रहे हैं दोनों। भवानी, तुम्हें नहीं भेजना था उन दोनों को। खुराफती लड़का है वो, मनमौजे की नजर बचाकर कहीं भाग गया तो। कल हमने महेश पर नजर रखने के लिए बोला था ना। देखिए वो आ गया। कहाँ है मनमौजी चाचा? वहाँ सड़क के पास खड़े होकर मुझसे घर जाने को कहा तो मैं चला आया। चाचा कहाँ गए पता है? पता नहीं, कहीं होंगे वो। लगता है कहीं से कुछ पैसे मिल गए। क्या खोटी किस्मत है मेरी, ना जाने कैसे सारी जिंदगी इस मनमौजी के साथ गुजरेगी। बेटे, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल नहीं है। अकेले गए तो कहीं भटक जाओगे। हमेशा तुम यही कहती रहती हो, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। अनमोजी को गए 2 दिन हो गए, आने तो उसकी खबर लूंगा। कैसे मेरे बेटे को छोड़कर गया है वो? जाने दो मम्मी, मैं आ गया हूँ ना। बेटा, तुम जगह कैसी लगी? मनमोजी चाचा मुझे कई देर ले गए, बहुत अच्छा लगा। पहले तुम खाना खाओ, कल संडे सवेरे हम चर्च जाकर प्रार्थना करेंगे और फादर से भी मिलेंगे। मुझसे टकरा नहीं, यही है मेरा रामराज। इस बार मैं रामराज और बनूंगा। अगर बीच में कोई आए तो मैं कौन कर दूंगा। केदारनाथ छोड़कर चला जा। फादर, घर से फोन था, माँ जी की तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत आने को कहा है। किसी भी कोने में जाओ तो शांतिवन की ही बात करते हैं सभी लोग। अबे शेर सिंह, कल रात सेकंड शो सिनेमा देख के आते वक्त रास्ते में भूत देखा, ऐसा बोल रहा था, लगता है फंडा मार रहा था। एक्सक्यूज मी, क्या आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, कौन है आप, पहचाना नहीं? देखिए मैं शांतिवन की नई डॉक्टरनी हूँ। ओ तो डॉक्टर हो। हमारे इस गाँव में भूत प्रेत बाधा है, यहाँ के लोगों का विश्वास है। हमने कहा कि ऐसा नहीं, लेकिन मानते ही नहीं। ओ, ये बात है। यहाँ के लोगों के दिल से इस वहम को निकालने के लिए मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। क्यों? यहाँ की सभी लोगों की मदद जरूर मिलेगी, खासकर जवान लड़कों का फुल सपोर्ट। ठीक है, मैं चलती हूँ। हाँ, अगर मौका मिले तो घर जरूर आइएगा। हाय, क्या मस्त चीज है। हाय, क्या चाल है, क्या ढाल है। चलो यार। हाँ चलो। आने से पहले खबर कर दी होती। मैं क्या करूं, अचानक उनके इंस्पेक्शन के ऑर्डर आ गए। सिसली यहाँ की घटने वाली घटनाओं के बारे में एक लेख लिखना चाहती है, इसका बहुत मन है, इसलिए हम मना नहीं कर पाए। इसी तरह इंस्पेक्शन के बहाने घूमते रहेंगे तो शादी की तारीख निकल जाएगी। हमारी शादी तो जरूर होगी मोहन, लेकिन इतनी सीधी सादी शादी होगी कि दांतों तले उंगली दबाओगे। बड़े कंजूस हो, शादी में भी खर्चा नहीं करना चाहते। ये बताओ यहाँ क्या करने वाले हो? यहाँ के भूत प्रेत और होने वाले कत्ल के बारे में छानबीन करने के लिए खासकर भेजा गया हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे पति को गुम हुए 3-4 दिन हो गए, उन्हें ढूंढ दीजिए ना। क्या नाम है तुम्हारे पति का? मनमौजी। महेश बेटे को गांव की सैर कराने के लिए लेकर गए थे, फिर इसे अकेले या छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए।
बेटे क्या बताकर गए थे चाचा? यहाँ घर के पास लाकर वो बोलने लगे, तुम जाओ मैं बाद में आ जाऊंगा। जोस, ये मनमोजी कहीं पीपा का लुढ़क गया होगा। तुम एक कंप्लेन लिख कर दो। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है साहब, इस तरह जिद करोगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यानी यही तुम्हारा धंधा है ना? अरे वाह, इस तरह चिढ़ रही हो जैसे तुम्हें खुशी ही ना मिली हो। नहीं, ऐसी खुशी नहीं चाहिए मुझे। बड़ी आई है माता। बकवास बंद करो, यहाँ मेरा आदेश चलता है, मेरी बात मानकर चलने में ही तेरी भलाई है, समझी? नहीं, मैं तुम्हारी पोल खोल दूंगी। तू औरत नहीं, औरत के नाम पर कलंक है। क्या कह रही थी? मेरी पोल खोलेगी तू? मेरी? हाँ हाँ। लेकिन तू यहाँ से जिंदा बचकर जाएगी तब ना? इसकी विदाई का इंतजाम करके इसे परलोक भेज दो, मुझे सबक सिखाने जा रही है। क्या बात है, क्यों भाग रहे हो? वहां एक लड़की फांस लगा के मर गई। क्या? हाँ, अमीना की मौत से गांव वालों को हम पर कोई शक तो नहीं होगा ना? देखो देवी, यहाँ के गांव वालों में इतनी अक्कल ही नहीं है, हम दोनों की बात को ही वो सच मानते हैं। आप तो जानती हैं कि आपके बलबूते पर ही मेरी जिंदगी चल रही है। मेरी बात सुनो, हिम्मत से रहो और जो जी में आया करो। मैं हूं ना यहाँ, इस शांतिवन गांव में हमारे खिलाफ कोई नहीं बोलने वाला है। बस यही काफी है मेरे लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ। अरे यार, एक बात बताना भूल ही गया मैं। क्या है, कैसी बात? शांतिवन गाँव में एक नए डॉक्टरनी आई हुई है, इतनी खूबसूरत है कि उसको देखते ही मैं उस पर लट्टू हो गया। अरे हमी ने उसे पहले देखा था। अरे यार, डॉक्टरनी के घर में एक नई चिड़िया आई है। इस तरह बात करके मेरा जारबंद मत ढीला करो यार। अरे यार, ये तो फंडा मारता है। अभी सही तेरी यह हालत है, अगर वो सामने आ गई तो क्या करेगा? अरे सामने आई तो मिलना ही पड़ेगा। यही ना, भूत प्रेत के बारे में लोगों के मन में जो गलत धारणा है उसे बदलने आई है वो, उसे हमारी मदद की जरूरत है। क्यों ना हम खुद ही उसके घर को चलते हैं? जल्दबाजी क्यों, काफी समय है हमारे पास, इत्मीनान से आगे बढ़ेंगे हम। अरे मुझसे रहा नहीं जा रहा है। अरे ये जल्दबाजी में मारा जाएगा भाई। ओए नजर मत लगा। देखो चिड़िया को दाने डालोगे तो चुगने आएगी, फिर धर के दबच लो। हाँ, क्या बात कही है तूने, अब हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठूंगा। ऐसे क्यों बकरा है? भाई हमें अपने घर आने की दावत उसी ने दी थी। अम्बे जगदम्बे, इस बालिका पर अगर किसी भूत प्रेत की बाधा हो तो मुझे बता दे। दाम्पत्य जीवन में बंधे कितने बरस हुए? 7 बरस हुए माते। समझ रही हूं, मां की इतनी कृपा है मुझ पे कि मैं इसे मां बनने का उपाय बता सकूं। इसमें मुझे दोष दिखाई दे रहा है, अगर नींबू काटते वक्त उसमें से खून निकले तो समझ लेना कि दोष है। चिंता मत करो, वैसे इसका परिहार भी है, तुम्हें 2 दिन यहां मेरे साथ रहना होगा, रात में पूजा और हवन वगैरह भी करना होगा। आपकी शरण में आया हूं, किसी न किसी तरह इसे दोष मुक्त कराइए। नमस्ते। क्या बात है? यह है मेरा बेटा मधु, एक रात ये बुरा सपना देखकर घबरा गया था, उस हादसे के बाद इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। बुखार आता है क्या? हाँ, सारा बदन जलने लगता है। तुम वहां जाके लेट जाओ।
यहीं पर रहने दीजिए, शाम को फिर से जांच करके मैं भेज दूंगी। ठीक है, अब एक इंजेक्शन लगा देती हूँ, आप शाम को लेने आ जाइएगा। बेफिक्र जाइए, मैं हूं ना यहाँ। जी अच्छा, मैं चलता हूँ। देवी माँ के दर्शन कर लेते हैं। मैं नहीं आता, तू जा यार। अरे चलना यार। नमस्ते माता। तुम शायद कुछ दिन पहले भी यहाँ आए थे। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? आपका हाथ सर पर लगते ही मेरा सर दर्द ठीक हो गया, फिर से कोई परेशानी नहीं। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। जरूर कोई बाधा है इसे। सो तो है, मगर इसके घर वाले आपका दर्शन करना नहीं चाहते। फिलहाल इसका ट्रीटमेंट डॉक्टर मारिया कर रही है। माफी चाहता हूँ, डैडी के लाख कहने पर ही डॉक्टर से मिलने गया था मैं। मेरे यहाँ आने वाले मरीजों को रोक रही है डॉक्टर मारिया, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ। देखिए, मुझे पूरा विश्वास है आप पर। यहाँ आकर दर्शन करने को जी कर रहा था मेरा। चाहे कुछ भी हो, लेकिन उस डॉक्टर ने से इतना बता देना कि टक्कर ना ले मुझसे, बहुत बुरा होगा। मुझे पता है कि गांव वालों को बचाने के पीछे उसका मकसद कुछ और ही है। बहुत पछताएगी वो, उसका एक ही बेटा है ना? जी हाँ महेश। वही बेटा उसके सर्वनाश का कारण बनेगा। चरण, तुम्हारा दिल कहीं और है। तुम क्या सोच रहे हो ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। क्षमा चाहता हूँ माते। इंसान के दिल को काबू करना बहुत मुश्किल बात है। बेलगाम घोड़े को तो हम फिर भी काबू में ला सकते हैं, लेकिन हर पल चंचल रहने वाले मन को काबू करने के लिए साधना करनी पड़ती है। समझ रहे हो ना? जी। मेरी इस बात पर गौर करके अगर इसे गांठ बांध के रखोगे तो तरक्की करोगे। हमें इस पतंग रूपी मन को काबू में करना ही होगा। तुम जाओ। जी। आओ बेटी, इस देवी माँ के आश्रम को ढूंढते हुए तुम इतनी दूर चली आई, बहुत खुशी हुई मुझे। मैं भी कई दिनों से आपसे मिलने के लिए सोच रही थी और आज मौका मिल गया। देखो बेटी, तुम्हारे मन की बात अपने ज्ञान के पर्दे पर देख रही हूँ। तुम जैसी पढ़े लिखे डॉक्टर के लिए इस आश्रम का द्वार हमेशा खुला है। देखिए देवी माँ, मैं यहाँ आपके आश्रम में अपनी जन्म कुंडली देखने नहीं आई,
मैं आपको सावधान करने के लिए आई हूँ। ओह, तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं हैं उन सभी शंकाओं का इस देवी माता के पास निवारण है बालिके। निवारण की बात छोड़िए माते, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। मैं जो बोलना चाहती हूँ मैं बोल देती हूँ। बोलो बालिके। सुनने में आया है कि आपके आश्रम में जो प्रसाद बांटा जाता है उसमें नशीले पदार्थ होते हैं। बालिके, वो कौन है जिसने इस तरह की अफवाह उड़ा के तुम्हें मेरे खिलाफ कर दिया? इस आश्रम के प्रसाद के सेवन से इस गांव के बहुत से लोग अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं, और सिर्फ यही नहीं, उनकी नजरें भी काफी कमजोर हो गई हैं। बालिके, ये आश्रम और यहाँ के लोगों में आत्मिक चैतन्य कोट कोट के भरा है। मुझसे जलने वाले लोग मेरी ख्याति को देखकर मुझे और मेरे आश्रम को किसी न किसी बहाने बदनाम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक बात तो मैं जान गई, इस आश्रम को किसी खास मकसद से चलाया जा रहा है, और एक ना एक दिन मैं इसका पर्दाफाश करके रहूंगी। ये गांव आज इस आश्रम की वजह से ही इतना आबाद और प्रसिद्ध है। देखो, डॉक्टर ने इस आश्रम और मेरे खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच लेना, वरना तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं जा रही हूँ, लेकिन एक दिन आऊंगी मैं ठोस सबूत के साथ। क्या बात है, घूर के क्यों देख रहे हो? घूरूं तो क्या करोगी? अरे कुछ भी नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी, तुम्हारा नाम क्या है? क्या ये जानना इतना जरूरी है? आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई जो मेरे बारे में पूछे। कई सन्यासिनों को मैंने देखा है, फिर तू तू किस खेत की मूली है ये तो बता। नहीं बेटे, बड़ों से इस तरह से पेश नहीं आते हैं, तमीज से बात किया करते हैं बेटे। तुम मेरे आश्रम में आ जाओ, खाने के लिए कहीं मिठाइयाँ दूंगी। देखो, मिठाई वगैरह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मेरी नजर से दूर हो जाओ। डेढ़ फुट का छोकरा मगर करता है बड़ी बड़ी बातें। तुझे पेड़ से बांध के ऐसी पिटाई करूंगी। अपनी बकवास बंद कर, पेड़ से बांध के मारेगी मुझे? मेरे सामने से फूट जा। अगर फिर तू मेरे रास्ते में आई तो तुझे और तेरे आश्रम को अपने क्रोध से जलाकर राख कर दूंगा मैं, खबरदार। Ha
शैतान बैठा है तेरे अंदर, सीधी तरह से छोड़ने में ही तेरी भलाई है। नहीं, इस दुनिया की कोई भी ताकत मुझे काबू में नहीं कर सकती। नहीं, मुझसे मत टकरा। टकराओ वो भी तुझसे। तुझे ईसा मसीह की कसम, शैतान तू इसे छोड़कर चला जा। मुझे यहाँ किस लिए बुलाया आपने? यहाँ मेरा एक शत्रु है। आपका शत्रु? हमारे आश्रम के बारे में एक पुलिस वाला पूछताछ करने आया था। हाँ, क्या कर सकता हूँ मैं? अभी तुम जाओ, वक्त आने पर मैं तुम्हें बुला लूंगी। ठीक है माँ। कोयल की आवाज बहुत खूब, मगर हम यहाँ पर कोयल का गीत सुनने के लिए नहीं आए हैं। वैसे भी हमें यहाँ पर घटने वाली हर घटनाओं के बारे में 10 दिन के अंदर रिपोर्ट भेजनी है वहाँ। वो तो तुम्हारा काम है। देखो जोस, अगर मैं कुछ भी कहूँ तभी तुम्हें काम की बात सोचती है। रोजी रोटी का सवाल है ना, और कुछ सोचता ही नहीं मैं स्वीटहार्ट। छोड़ो ना। था कि तुम जरूर आओगे, इसीलिए इंतजार कर रहा था। कौन है आप? जल्दबाजी मत करो, बताऊंगा वक्त आते ही। मैं खुद तुम्हारे पास आके सब कुछ बताऊंगा। देखिए, मेरे यहाँ आने का मकसद तहकीकात करने, बस यही कि खूनी की तलाश में आए हैं आप। लेकिन परेशानी बहुत है, जानता हूँ कि आप खूनी को पकड़ने के लिए आए हैं, पर यह काम इतना आसान नहीं है। कारण, खूनी इस गांव में ही है। वो जो रास्ता दिख रहा है वहीं से जाइए, आपको एक बंगला मिलेगा, जाइए। ओम। ये आदमी कौन है जोस? अरे वो तो मुझे कोई पागल या धूर सन्यासी लगता है, हमें उसे क्या लेना देना। हमारा टारगेट तो आश्रम और आश्रम की देवी माँ है। शायद ये भी उस आश्रम का आदमी हो सकता है। खैर जो भी हो, हम उसके कहे मुताबिक उस बंगले को देखने आएंगे। आओ। महेश यहाँ कैसे आ गया? ये तो मैं भी नहीं जानती। सिसिल जल्दी आओ। अरे यहाँ तो ताला लगा हुआ है। आओ इधर चलते हैं। इधर। यहाँ भी ताला लगा है। उधर चलते। चलो भाई। My God,
इधर भी ताला लगा हुआ है। जल्दी बैठो, आओ। महेश की मम्मी डैडी कहाँ है? फादर की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उनसे मिलने गए हैं वो। आओ। फादर मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। ये तो सिर्फ शुरुआत है बेटा, अब तुम देखते जाओ, धीरे धीरे शांतिवन गांव में चारों तरफ मौत ही मंडराती नजर आएगी। फादर ये क्या कह रहे हैं? सच बोल रहा हूँ, ये कुत्ता कोई साधारण कुत्ता नहीं है बेटी, प्रेत है। नमस्ते फादर। परमेश्वर की कृपा सदा रहे। फादर ये मेरी छोटी बहन है सिसली। और मैं जोस पुलिस डिपार्टमेंट में है। शायद वक्त अच्छा है, इसलिए तुम लोग भी शांतिवन में आ गए। यहाँ एक शैतान है जिसने हाहाकार मचा रखा है, यीशु का नाम लेकर उसे खत्म करना होगा, तभी इस गांव की खुशियाँ लौट सकेंगी। अगर आप जैसे लोग ही इस तरह के अंधविश्वास को मानेंगे तो औरों का क्या हाल होगा? अब आप ही बताइए फादर। अंधविश्वास नहीं बेटा, शैतान से टक्कर ले चुका हूँ, वो भी एक बार नहीं दो बार। शैतान से टक्कर, ये कैसे हो सकता है फादर? सच बेटी, आज मैं हकीकत बताता हूँ। एक बार जब मैं अपनी बीमार माँ से मिलकर लौट रहा था, तभी मैंने आपके बेटे महेश को कब्रिस्तान की ओर जाते देखा और मैंने उसका पीछा किया। वहां का दृश्य देखकर मैं कांप गया, तभी इस बात का मुझे पता चला कि ताकतवर शैतान का साया महेश के ऊपर है। ये बात मैं तुम लोगों को बताने ही वाला था कि कल रात उसने मुझे भी मारने की कोशिश की थी। ये क्या कह रहे हैं आप? महेश ने आपको मारने की कोशिश की? मैं नहीं मानती। नहीं, महेश ने मुझ पर हमला किया क्योंकि उस वक्त उसके अंदर शैतान मौजूद था। वैसे आप लोग भी संभल के रहिएगा। इसका उपाय क्या है फादर, बताइए? सबसे पहले हमें महेश को शैतान के चंगुल से छुड़ाना होगा। हमेशा ईसा मसीह की कृपा हम पर रही है, इसलिए उस शैतान को भगाने के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। बाबा की बात बिल्कुल सही निकली, और हमने भी महेश को बंगले के करीब देखा था। मुझे पूरा यकीन है आपकी बातों पर। नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। परेशान मत हो मारिया, अगर महेश के ऊपर शैतान का साया है तो उसे शैतान के चंगुल से कैसे बचाया जाए, अब हमें यही सोचना है। मैंने जो सोचा था वो बिल्कुल सही निकला। महेश और मनमुजी दोनों एक साथ घूमने गए थे, लेकिन मनमुजी गायब हो गया। महेश का पीछा करेंगे? यस, यही मैं भी कहने वाला था। सबसे पहले हम कब्रिस्तान की ओर देखने के लिए जाएंगे। किस लिए? अभी फादर ने क्या कहा है, महेश को उन्होंने कब्रिस्तान के पास ही देखा था, वहां जाके हम पता लगाएंगे। ठीक है, चलो चल के देखते हैं। आओ चलो। बेटा ये बताओ, मनमुजी चाचा को तुमने कब देखा? बताता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है। कब देखो बताओ? आज सवेरे। सवेरे? हाँ आज सवेरे ही। देखो भवानी आंटी, आज सवेरे आप चाचा की याद में रो रही थी ना, तभी मैंने सोचा कि मनमोजी चाचा को ढूंढना ही पड़ेगा। जैसे ही आप मुझे कमरे में बंद करके गई, मैं फट से बाहर आ गया। क्या हुआ आंटी? लेकिन महेश बेटा, मैं तो बाहर से दरवाजा बंद करके गई थी, फिर तुम बाहर कैसे आ गए? वो सब मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जब मैंने वापस कमरे में आकर देखा तो तुम वहीं पर आराम से सो रहे थे, दरवाजा भी मैंने ही खोला। आंटी सठिया गई हैं आप। अरे मैं शीशे की खिड़की तोड़कर बाहर आया, उसी रास्ते अंदर चला गया, यही पास है, आइए ना। यहीं पे मैंने मनमोजी चाचा को देखा था,
यहाँ पर? हाँ वहाँ उस कब्र के पास खड़े हंस रहे थे। खेलना नहीं, गाना गाने रुक जा। चला गया। जिसकी तलाश में तुम लोग आज निकले हो, मैं तो बरसों से उसकी तलाश में लगा हूं। अब उससे मिल नहीं सकते, वो तो चला गया। लेकिन वो कहां है मैं जानता हूं। दिल को काबू में रखो, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे बेटे से ही संबंधित है। ये बिल्कुल सच है। वो शैतान इस दुनिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। तुम्हारे बेटे को बचाने के साथ साथ तुम लोगों की भी रक्षा करनी होगी। मुझे मुझ पर भरोसा रखो। हमें क्या करना होगा बताइए। आज रात 11 बजे के बाद आप लोग मेरे आश्रम में आइए। अगर देर हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, क्योंकि आज मौनी अमावास है। हम आएंगे, हमें अपने बेटे से मिलना है, चाहे कुछ भी हो जाए हम आएंगे। ये इतना आसान काम नहीं है। हम सब एक साथ मिलकर अगर पूजा करेंगे तो ही महेश की जान को बचा सकते हैं। मेरा आश्रम इस शांतिवन गांव से। रात को तुम सब आ जाना, वहां तुम्हारा मैं इंतजार करूंगा। महादेव, मुखिया और सेठ जी आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। सेठ जी को हमारी मदद की जरूरत है, जितने भी पैसे चाहिए दे देंगे। ऐसी क्या बात है? बड़ी बात नहीं है। यहाँ तहकीकात करने आए हुए इंस्पेक्टर की प्रेमिका है ना सिसली, उस पर इनका दिल आ गया है। काफी कठिन काम है ये। कितना भी कठिन काम क्यों ना हो, उसे यह आना ही होगा। सेठ जी के बारे में काफी गलत रिपोर्ट दी है उसने अखबार वालों को। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे वो लोंडिया किसी भी कीमत पर चाहिए। ठीक है, कल वो यहाँ आ जाएगी। बस थैंक यू। रामू को भेज देना, तो फिर हम चलते हैं। चले सेठ जी।
सिसली दिखाई नहीं दे रही। आ जाएगी, उसे मैंने ही देवी माँ के आश्रम में तहकीकात करने के लिए भेजा है। अकेले से वहाँ नहीं भेजना चाहिए था। मैं अगर साथ होता तो देवी माँ को मुझ पर शक हो जाता है, इसीलिए उसे अकेले भेजा है। ये भवानी भी घर चली गई, नहीं तो उसे भेज देता उसे ढूंढने के लिए। खैर छोड़ो, मैं वहां जाके देखाता हूँ। तो फिर जल्दी जाओ, रात के 11 बजे से पहले साधु के पास भी जाना है। अब क्या करें? तो फिर मैं जल्दी आता हूँ। चोरी जर्नलिस्ट बनती है। देवी माँ, हारी, तू और तेरा प्रेमी दोनों मिलकर मेरे खिलाफ अखबार में खबर छापेंगे। तुझे मैं जेल भेज के ही रहूंगी। अपने पति से कहकर तुम्हें अगर जेल नहीं भिजवाया तो मेरा नाम सिसली नहीं है, कल का अखबार बना। अखबार में जरूर पढ़ूंगी लेकिन उसमें खबर मेरी नहीं तेरी होगी। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत कर बालिके। जिस सेठ जी के बारे में तूने खबर छापी थी वही सेठ जी तुझसे मिलने आए हैं। अरे भक्ति गायन उनके हाथों फंस गई थी। फिर मैं वहां से अपनी जान बचा के आ रही हूँ। जो हमें जिस शेर की तलाश थी वो वही है, हमें तुरंत उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी होगी वरना वो बच के भाग जाएगा। मैं अभी पुलिस हेडक्वार्टर में मैसेज देता हूँ। मैं पुलिस से कह देता हूँ कि आश्रम के चारों ओर कड़ी निगरानी रखें, कोई भी वहाँ से बाहर निकले तो उसका पीछा करें। जो आश्रम के अंदर जाने का खुफिया रास्ता मुझे मालूम है। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, उन सबको गिरफ्तार करने के बाद मैं भी वहाँ साधु से मिलने आ जाऊंगा। तुम बैठो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शनि, मंगल, शुक्र। ओम नमः शिवाय। देखो अब मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे बेटे महेश के अंदर एक शैतान छुपा हुआ है। 75 साल में सिर्फ एक बार इस पृथ्वी पर शैतान जन्म लेता है। शैतान ने जन्म लिया, वह इस भूलोक को अपने अधीन करने का प्रयत्न कर रहा है लेकिन दैवीय शक्ति की वजह से उसे कई बार मार खानी पड़ी। लेकिन शैतान ने मेरे बेटे के शरीर में कैसे प्रवेश किया? बताता हूँ, मेरी बात गौर से सुनो। तुम लोगों की जानकारी के बिना शैतान महेश के शरीर में प्रवेश कर गया। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? 10 बरस पीछे जाओ और फिर सोचो। तुम अपनी शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए देहरादून गए हुए थे, याद है ना तुम्हें? मुझे याद है। तब तुम लोग इसी गांव के रास्ते से होते हुए देहरादून जा रहे थे। उस रास्ते में अंग्रेजों की बनाई हुई एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली में कई गैर कानूनी काम हुआ करते थे। उस हवेली में अंग्रेज लोग अपना मन बहलाने के लिए लड़कियों को लाकर उनकी इज्जत को लूटकर उन्हें मार देते थे। इस तरह वो हवेली भूती हवेली के नाम से जानी जाने लगी। उसी हवेली में तुम भी पहुंच गए अपनी पत्नी के साथ सुहाग रात मनाने। हुँ।
ठीक हुई। घोर तपस्या में लीन था और मैंने अपनी ज्ञान दृष्टि के पर्दे पर तुम दोनों को देहरादून में स्वागत मनाते हुए देखा। जैसे ही तुम दोनों चरम सीमा पर पहुंचे तभी तुम्हारी वीर्य के जरिए शैतान मारिया की कोख में प्रवेश कर गया। शैतान के जन्म का उद्देश्य जानकर मैं यहाँ उसी का इंतजार कर रहा था। मुझे पता था कि 10 वर्ष के पश्चात वो इस शांतिवन में जरूर आएगा और उसे आना ही होगा। यही विधि का विधान है जिसे कोई नहीं मिटा सकता। यह हमारी समझ के बाहर है। इस समस्या का कोई समाधान बताता हूँ मगर उसमें काफी परेशानियां है। आज मौनी अमावस्या है। अगर सवेरे 3 बजे से पहले शैतान को हमने हरा दिया तो महेश हमें वापस मिल जाएगा। नहीं तो हाँ, हम सब मिलके प्रार्थना करेंगे दुनिया को अपने अधीन में करने वाले शैतान को वश में करने के लिए। मैं अकेला काफी नहीं हूँ, सबको पूजा में शामिल होना होगा। प्रार्थना और परिहार के जरिए ही हम उस शैतान की ताकत को कुचल सकते हैं वरना वो सबको मार देगा। फिलहाल एक ताबीज दे रहा हूं, इसे तुम पहन लो। वो जान गया है
फिक्र मत करो, हमें जल्दी उसके पास पहुंचना होगा। आओ हम चलते हैं। रुको ना, कुछ देर बाद हम यहाँ से जाएंगे। तुम्हें डर नहीं है क्या? मुझे और डर? इस तरह क्यों बोल रहे हो तुम? फिर कैसे बोलूँ मैं? देखो मैं चला, डर लग रहा है मुझे। ऐसे नहीं जा सकते तुम, जान लिए बगैर नहीं छोड़ूंगा। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी कृपा सदा हमारे पर बनी रहे, सदा हमारी रक्षा कीजिए, हमें सदा नेकी के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमारी गलतियों को माफ करके हमें क्षमा कीजिए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। हे परमपिता परमेश्वर, उस छोटे मासूम बालक के शरीर में से उस शैतान को भगा दीजिए, जिस तरह आपने प्रेत बाधा से पीड़ित एक औरत को मुक्त किया, ठीक वैसे ही इस बच्चे को बचाइए, इस छोटे बच्चे की जिंदगी को भी बचाइए। आमीन। Oh, my God.
बेटे महेश, बेटे महेश उठो, बेटे महेश उठो, बेटे महेश, बेटे 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 आंखें खोलो बेटा, बेटे महेश उठो, महेश बेटे महेश उठो बेटा, उठो महेश, बेटे महेश, महेश 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 आंखें खोलो, महेश कर रहे हो? मैं कौन हूं तुम नहीं जानते? मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम एक क्रिमिनल हो। मेरे एक फोन करने से तुम्हारी नौकरी जा सकती है। जानता हूं अरेस्टर। कम ऑन। हटो यहां से, हटो हटो यहां से, तुम लोगों को कह रहा हूं हट जाओ यहां से। तुम देवी माँ को यहाँ से नहीं ले जा सकते। देखिए, शायद आपको पता नहीं, औरत के खाल में छुपी हुई भेड़िया है ये। शायद तुम नहीं जानते कि तुम किसे बात कर रहे हो। देखिए, आप इस मामले में दखल ना दे तो अच्छा होगा। देवी माँ ने इसे क्या गलती की बताइए? क्या नहीं, क्या है इन्होंने? इस देवी माँ ने वेश्यावृत्ति और मादक पदार्थों की सप्लाई ही नहीं बल्कि खून भी किया है, वो भी आश्रम की आड़ में रहकर। देवी माँ के बारे में ऐसी ऐसी बातें मत कीजिए। मैं कहता हूँ तुम सब लोग हट जाओ यहाँ से। यार में रहकर गैर कानूनी काम करने वाली इस औरत को अगर बचाने की कोशिश की तो मैं तुम पर भी केस कर दूंगा मुखिया। नहीं, देवी माँ को हम जाने नहीं देंगे। कानून को अपने हाथों में मत लो। मैं बताती हूँ सब। हमारे शरीर को बेचकर रुपया कमाने वाली औरत है ये। मैं मजबूर होकर सब कुछ सुनती और सहती रही। अब तुम लोग जान गए ना इस देवी माँ की असलियत। मूव, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो 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 चलो